परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव काम। श्री गीता जी का पाठ 14वां अध्याय श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु नान्यं गुणेभ्यः कृतारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानपि त्यति देवी देह समोद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमाश्नुते। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गे श्रीन्मुनानेतानतीको भवति प्रभो किमाचार कथं चैतास्ति न
गुणानतिवर्तते। श्री भगवान वाच प्रकाशांच प्रभुत्यंत मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन उदासीनो गुणीयो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योगतिष्ठति नन्दते। समदुःखसुखः स्वस्थ समदुःशास्मकान्तनि तुल्यप्रिया प्रियो वीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुते मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते। मांसयोग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममितस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममितस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदस्यूर्यायां भूपाते श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगिनां योगदशः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं Hare Krishna.
यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 1 अगस्त 1994 को प्राप्त स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनाचर में हुआ राम ज्ञान योगी हो चाहे भक्ति योगी हो चाहे कर्म योगी हो, नाम जब सबके लिए बड़ा उपयोगी है। दूसरी संप्रदाय में नाम का भेद है परंतु जब करने की आज्ञा सबकी है। प्राय संप्रदाय में नाम जब करने की बात सब में मुख्य आती है। तो अभी कलयुग है, कलयुग में नाम का बड़ा प्रभाव है। चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुरूपाऊ। चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कारण क्या? कलयुग में दूजे साधन ठीक तरह से होते नहीं। कलि कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एको। कर्म कांड की बात है, उसे बहुत विधियां है, उसे जानने वाले भी बहुत कम रह गए। इस वजह से कर्म कांड भी ठीक से अनुसार भी नहीं आता। भक्ति की बात है, वो भी जैसे होनी चाहिए वैसे सांग उपांग नहीं होती, परंतु भक्ति का ही अंग नाम जप है। ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है, तो वो भी होने में हर एक आदमी कठिन ही बात में वैराग्य तीव्र होता है, ज्ञान योग होता है। राम नाम अवलंबन एक गाय राम है सुमरिय राम है संत सुनिय राम गुण ग्राम है। तो नाम में लगना ये बढ़िया चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काल। भगवान ने कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए नाम में सब शक्ति रख दी। नाम जप में सब शक्ति और उसमें जप करने के लिए नियम नहीं बांधा, चाहे सुबह शाम दोपहर में कभी वो नाम स्मरण करना चाहिए। और समय भी नहीं बांधा, और तो विषय वर्णाश्रम भी नहीं बन जाट भजो गुजर भो भाजो जो आई तुलसी रघुवर नाम में सबका वो कशीर सबकी इसमें है, सबका शीर है, सबकी पांति है, सबका हक है। क्यों प्रभु परमात्मा सबके परम पिता है, तो अपने पिता का नाम लेने की सब पुत्रों की बात है। इस बार नाम जब विशेष करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते केवल याद रखना है। इसमें बाधा है तो याद रखने की है, तो खूब विचार कर ले। नाम जब करता रहे मन से ही भगवान की प्रार्थना करता रहे कि नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसा मन से कहा जाए जबान से राम 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 राम, चाहे चौड़े करे चाहे धीरे करे चाहे मन से करे, नाम भूलू नहीं। माला और जप से माला और जीव से जप करने पर भूल कम होती है, माला न रहने से और मानसिक जप करने से भूल अधिक होती है। इस वास्ते माला रखना बहुत आवश्यक है। अपन झोली ले, झोली में माला रखे, माला को नंगी रख दे, कंधे कपड़े में रखना चाहिए, कपड़े में भी तो उसमें नाम जप विशेष करना। दूसरे साधन नाम जप से हो जाते हैं, नाम की मुख्यता है। कलयुग में नाम जप विशेष लाभदायक होता है,
इसका प्रभाव कल युग में ज्यादा है और एक दान है, तो यह कहीं भी दान करे कल्याण, वो कल्याण करता है। वो तो सबके इतनी हाथ में नहीं है, सब करो अपने अपनी दृष्टि अपनी शक्ति के अनुसार। लोग देखते हैं धनी आदमी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार ही अधिकार है, अधिक अधिकार है। रुपया अधिक हो तो मुद्द पुण्य अधिक हो जाए, ये कायदा नहीं है। शक्ति आपके पास कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, उस सामर्थ्य के अनुसार दान करने से उसका पुण्य पूरा हो जाता है। मन लखपति लाख रुपया खर्च करे, पांच रुपया खर्च करे, तो दोनों बरोबर है। उसको लाख था, उसको पांच ही था, तो अपनी शक्ति के अनुसार कमी न रखे। वो कमी करता है तो यक्ष वित्त को पता किया था, वो यक्ष वित्त है। मानो पैसा इकट्ठा तो किया है, दान नहीं करता है तो उसका अधपतन होता है। इस वास्ते नाम जपने ऐसी बात है कि कोई भी करो। गीता में अनेक तरह के बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणों को वेद की वाणी में बहुत से यज्ञ कहे हैं, पर यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें जाना में जप यज्ञ है जो खास अपना है, तो ये जप यज्ञ करना चाहिए। जप का ये यज्ञ है, ये गीता का पाठ उसको ज्ञान यज्ञ का है। संपूर्ण यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और गीता का पाठ करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ, उनका ज्ञान यज्ञ मान लेता हूँ। भगवान जब ज्ञान यज्ञ मान लेंगे तो ज्ञान यज्ञ हो ही गया। गीता का पाठ है तो करना चाहिए। गीता के पाठ के विषय में पांच लोग अपने रोजाना पाठ करते हैं, वो इस उद्देश्य से करते हैं कि पांच लोग याद हो जाए, चलते फिरते पांच लोग याद कर ले। तो गीता पाठ समय तो मृत्यु मानुष काम बजे, गीता का पाठ करने वाला मरता है तो फिर मनुष्य जन्म लेता है। बहुत वर्षों की बात है, एक हेडमास्टर थे, उन्होंने पूछा था कि मनुष्य को कितना काम कर लेना चाहिए, कम से कम कम से कम कम से कम। मैंने कम से कम तो यही है कि पीछे मनुष्य जन्म हो जाए, मनुष्य जन्म नीचे न उतरे, इतना तो कर लेना चाहिए। तो इस साधन क्या है, मैंने गीता का पाठ। गीता पाठ समाज तो मृत्यु मानुष काम बजे, गीता अभ्यास संपूर्ण करता लभते मृत्यु मत तमाम। तो गीता अभ्यास करने वाले को फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो कम से कम उसने पूछा, कम से कम कम से कम, तो भाई है उस जगह से हो जाए, उसे नीचे तो ना गिरे, ये कम से कम है। ऊंचा उठना अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मनुष्य जन्म में तो रह जाए। उसके लिए गीता का पाठ रोजाना करना। अब उसमें पाठ करे ना करे, अपने पांच श्लोक पाठ करवाते हैं तो बहुत से लोगों को याद हो गया। इसीलिए स्वर्गाश्रम में पाठ होता था तो गोलगोकुल में पाठ होता था, कई जगह पाठ होता था। ये तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि मेरी माँ वृद्धावस्था में, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ का याद हो गया। वृद्धावस्था में भी ये श्लोक पांच याद हो गए, तो रोजाना पाठ करते है ना, तो अपने पंडाल में पाठ कराया करते हैं। कहीं भी सत्संग होती है ये पांच श्लोक पाठ कराते हैं, तो जिनसे कम से कम पांच श्लोक तो याद हो जाए। भगवद गीता किंच दधीता, गंगा जल अव कणिका पीता, ये नाकार मुरे रर मुरारे रसा, तो से ये मैं कोटे सरसा। तो थोड़ा भी गीता जल पिया है जी, थोड़ा भी भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ी गीता पढ़ी है, गंगा जल लिया है, भगवान की पूजन किया है, उसका यहाँ जमराज की यहाँ चर्चा नहीं होती, जम लोग नहीं जाता। तो थोड़ा गंगा जल का साथ में ले लिया और गीता का पाठ कर लिया, एक अध्याय का पाठ कर गीता का, सुनहरे दिन पूरी हो जाए।
चार नौवीं नौवा अध्याय हुआ, दस हो गया, ग्यारहवा बारह ग्यारहवा बारहवा बारह दिन बारहवा तेरहवा दो कर दें, चौदहवा पंद्रहवा तीन कर दें, सोलहवा सत्रहवा चौदह सो कर दें, अमरवा सातवा कर दें, तिथि बढ़ जाए तो सात सत्रहवा सातवा सोलह सत्र दो दिन कर दें, घट जाए तो सातवा आठवा एक दिन कर दें, ऐसे पंद्रह दिन कर दे तो पंडित जन्म कर देने से महीने में दो ज्ञान यज्ञ हो जाएंगे और जब यज्ञ वार्तम करते रहोगे, चलते फिरते उठते बैठते, ख्याल रखो कि नाम जब छूटे नहीं, सावधानी रखो, सावधानी ही साधना है, तो आज तो मैं साधन सावधानी है, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना ठीक तरह से, तो नाम जब करना है ये जागृति है, ये लोग सिपाही होते हैं कवाज आए करते रहते हैं तो इनकी बिगुल बजती रहती है, वो बिगुल बजती रहती है, सावधान रहते हैं, और जब यहाँ से और आने की जो बिगुल बजती है तो उसी दमे लोगों को जाना पड़ता है, कोई स्नान गृह है तो कोई भोजन करता है तो कोई कपड़े पहनता है तो कोई काम करता हो, बिगुल बजते पट उसको तैयार होना ही पड़ेगा, जल्दी तैयार हो जाओ, तो बिगुल पर भी ख्याल रखते है, ऐसे भगवान के नाम की धूल बजती रहे, अभी हरदम नाम होता रहे तो सावधानी रहती है, नरक में नहीं जाता, उद्धार होता है, तो हरदम भगवान के नाम का जप होता रहे, उठती बैठत कहे जागत ही कहे सोय हरियाजन घट राम जी कबू प्रकट हो, तो ऐसे जागते सोते बैठते खाते पीते भगवान के नाम का जप होता रहे, कलयुग में विशेष महिमा है, हरदम भगवान के नाम, राम नाम नरकेशरी हर कनक सो कलिकार, जापक जन पर लाद जिन पाले दरिशाल, ये कलयुग है, ये हिरण्यकश्यपु है, ये तो है हिरण्यकश्यपु, और भगवान का नाम है नृसिंह भगवान है, तो नृसिंह भगवान सामने क्या कहानी, किसको क्या करेगा, मना ही पड़ेगा, जप करने वाला प्रहलाद है, नाम जप तो है भगवान और जप करने वाला वो प्रहलाद है, जापक जन प्रहलाद जी पालेंगे सुशाल, सुशाल पाल दाल दंड करके वो पालन करेगा, तो कलयुग में पालन करने वाला भगवान का नाम है, रक्षा करने वाला भगवान का नाम है, राम 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 राम, तो कलयुग में विशेष महिमा है, और युगों में भी महिमा है, विशेष अपने कली में चल रहे हैं, विशेष नाम का जप करो, तत्परता से उत्साह से, सावधान रखो, सावधान एकदम सावधान, तो माला रखने से भी सावधानी रहती है, माला मन से दर पड़ी मति बिशारे मोह, बिना शस्त्र के सूरमा लड़कन देखा कोर, सूर लड़के अस्त्र शस्त्र होता है, ऐसे भगवान नाम के लिए माला अस्त्र है, माला से भगवान याद आते हैं, माला हाथ में तो नाम जो भगवान को याद दिलाने वाली है, से माला से नाम हरदम, तो नाम हरदम नहीं, हरदम अगर नाम का अभ्यास हो जाए तो मलाई कोई जरूरत नहीं, नाम छूटे ही नहीं तो फिर मलाई जरूरत नहीं है, क्यों हरदम हो रहा है, माला की जरूरत इसलिए है कि 3 लाख नाम है, 1 लाख नाम लेना है तो इतने से कम ना हो जाए, इसलिए माला नाम जप माला से करना है, तो हर समय नाम का जप चलता रहे अपना निरंतर, इससे जागृति होती है, नाम जप करने से सावधानी आती है, और पुण्य भी होता है, पवित्रता आती है, पवित्राणाम पवित्र मंगलानंद जी मंगलम क्या चीज है, भगवान नाम शास्त्र नाम आया है, तो ये पवित्र में पवित्र है, मंगलम मंगल है, भगवान के नाम का जो बहुत आवश्यक है, शास्त्र नाम का पाठ किया जाए बड़ा अच्छा, शास्त्र नाम का पाठ की विशेष महिमा है, तो राम नाम करने से तो एक अर्थ आता है,
उसमें तरह तरह के अष्टों का तरह तरह भगवान का नाम है, तो लीलाओं का भगवान गुणों का प्रभाव का वर्णन आता है। इस बात से भगवान नाम का जब हरदम करना चाहिए, कम से कम 21,000 सरसो सरसो सरस 21 दम जावत है दिन रात। ये तो टोटो टाइगर का है कि कुशलात ये श्वास है उनके बल पर हम जी रहे हैं, हमारे श्वास बाकी ऐसे जी रहे हैं, श्वास खत्म आ जाए तो मरना पड़ेगा। तो श्वास हम जीते हैं तो श्वास है, कितने जाते हैं 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास खत्म होते हैं। तो कम से कम इतना लेना चाहिए 21,600। तो ये हरे राम की 16 माला फेरते हैं, 14 माला से 16 माला सुन देता है, इतना हो जाता है। परंतु इतने वर्ष खाली गए पहले वाले, उनकी पूर्ति करना हो तो नाम जब ज्यादा करो तो उनकी पूर्ति हो जाए, अपनी उम्र खाली नहीं जाए, तो हरदम नाम का जप होता रहे। ऐसे 2-4 घंटा 6 घंटा नाम होने से तो 3 घंटा से हो जाए, 2 घंटा से इतना नाम हो जाता, 2 घंटे से भी हरदम किए गए तो 4 घंटा लगे इसको। नाम की रफ्तार तेजी से ज्यादा नहीं जपना चाहिए, धीरे धीरे जपना चाहिए, घना तेजी से जब नाम उच्चारण कम हो जाता है, मानो नाम का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, साफ नहीं होता, तो साफ साफ नाम उच्चारण करे, जल्दीबाजी नहीं करे। नित्य कर्म में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, नित्य कर्म शांति से करना चाहिए। नित्य कर्म में माला का नियम रखते हैं, पाठ का नियम रखते हैं, किसी की अपेक्षा अगर समय का रखा है तो बड़ा अच्छा है, मान इतना समय इसमें लगाना है नाम जप में तो समय में ज्यादा होगा नाम जप। माला करते हैं जल्दीबाजी होती है, पूरी बड़ी माला कब पूरी है, एक आफत माना गया। ये तो खास असली है, धन को तो बड़े प्रेम से कमाते हैं, भीतर रहते हैं, नाम जप के लिए इतना नहीं करते, इसे बड़ी गलती होती है। नाम जप में सच्चे हृदय से लग रहो, उठते बैठते सोते भागते नाम न छूटे, तो ये पूरी है। जैसे ये आप कराते हैं इंश्योरेंस करा देते हैं, जोखिम करा देते हैं बिक्री, बीमा करा देते हैं बीमा, तो जीवन का बीमा है ये, नाम जप है ये बीमा करा लिया जाए तो फिर हरदम नाम जप है तो बीमा हो जाता है, कभी मारे कल्याण हो जाएगा। बीमा कराने से चीज नष्ट हो तो उसके पैसा आ जाता है, हम गाड़ी पर जा रहे थे तो टक्कर गाड़ी खराब हो जाएगी, क्या बीमा भी क्यों, बीमा है कोई बात नहीं पैसा मिल जाएगा, ऐसा उत्तर मिला हमारे। तो बीमा है खास इस शरीर के, कभी हमारे भगवान नाम का जब चलता रहे हरदम तो फिर कोई खतरा नहीं, कभी मरो क्यों अंतकाल ऐसे माँ में वो स्मरण भगवान का स्मरण करता हो मरा तो भगवान को प्राप्त होता है, तो आज पर करता रहे नींद आ जाए उसमें नहीं हो तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। परंतु हरदम जब होता है उसमें नींद में जब होता है, नींद में जब छूटता नहीं है तो हरदम लगन से करता है। अर्जुन की बात आती है महाराज, अर्जुन सोचा था कृष्ण 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 नाम जपता था, रोम रोम में नाम जपता था, कितनी विलक्षण बात है, वो ज्यादा हो जाने से रोम रोम सुनता है, रोम 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 सलंदा है ईशान जाता है, भगवान का नाम रोम रोम से आता है, तो राम 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 राम। हनुमान जी महाराज के शरीर में सारा राजगद्दी जब हुई भगवान की, उसमें बड़े बड़े राजा लोग महाराजा लोग सब आए थे, राजगद्दी हो रही थी उसमें सब आए, तो विभीषण क्या किया, विभीषण रत्नों की माला लाया, एक रावण ने बहुत से रत्न इकट्ठे किए थे, बढ़िया रत्नों की पूरी माला युधिष्ठिर लाए, तो राजगद्दी हुई तो भगवान श्री राम जी को वो माला पहना दी, राम जी ने मारा देखी देख करके खुश हुए, वही स्त्रियों के अधिक होता है गाय की शौक, तो राम जी ने सीता जी को दे दी,
राम जी ने सीता जी को दी तो सीता जी देखा मैं किसको दूंगा। तो याद आया हमारा बड़ा बेटा है हनुमान है। ऐसी आफत में मेरी खबर ली, सब काम किया, नहीं तो राम जी से कैसे मिलती मैं। हनुमान जी बोला हनुमान जी को पहना देनी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, मार दिया वाह, माँ की जीव चीज तो बढ़िया तो होती ही है। वो दिया वहां जाकर देखने लगे तो देखा तो राम नाम उसमें दिखा नहीं, तो इतना तुमको फोड़ा, फोड़ कर देखा तो उसमें नाम नहीं, फेंक दिया। राज सभा में अच्छे अच्छे धनी अच्छे अच्छे जोहरी रत्न परीक्षा भी आए हुए थे, कीमत समझने वाले राजा लोग थे, जोहरी परीक्षा करने वाले। क्या कर रहा है रत्न फोड़ रहा है, रतन फूटता नहीं है, हीरे की पार जोहरी जाने चोट से घन की एरमेर पर रख करके एक घर मारा जाए तो एरमेर घर में बैठ जाएगा, टूटेगा नहीं। घर में तोड़ दिया तो भगवान हनुमान जी महाराज का वज्र देह है, शरीर वज्र का है तो दांत का होना चाहिए वज्रमणि है। भगवान तोड़ दिया तो किसी ने कहा भी कैसे करते हो तुम ये शरीर फोड़ते क्यों हो, क्यों देखता हूँ भगवान का नाम है गणेश में, भगवान नाम नहीं, भगवान नाम नहीं तो मेरे क्या काम का, कोई काम का नहीं। तो शरीर कैसे रखते हो तो मेरे शरीर चीरा यहाँ से ऐसे चीर चमड़ा यू कर चमड़े में तंग तंग अंकित तमाम देखी ताम राम नाम के संग राम 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 यहाँ सीताराम विराजमान है राम 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 राम, राम। तो नाम जपने से घूम रोम हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम लेना नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय।